गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर सोनी मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मॉरल साइंस ऑफ क्लास सिक्स। फर्स्ट चैप्टर इज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट्स। इट मीन्स गॉड इज एवरीवेयर एट द सेम टाइम। सो डोंट वरी, गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वी रीड द स्टोरी। वी नो दैट गॉड इज ऑलवेज एवरीवेयर। He is our father and take care of us. He will never abandon us when we face difficulties, when we do not succeed, or when we are beaten. We naturally wondered if God is really there with us. See, it means God हमारे साथ हमेशा है। God हर जगह available है। वो हमें एक फादर, हमारे पेरेंट्स की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी केयर करते हैं। हमारी सारी डिफ़िकल्टीज़ में, हर तरह के प्रॉब्लम में, हर तरह के टफ सिचुएशन में वो वहाँ पर होते ही हैं। और ऐसा बिलीव हम उन पे मानते भी हैं, इसलिए हम हमारे गॉड को हमेशा क्या कहते हैं, प्रेज करते हैं, प्रेयर करते हैं उनका। Often when we are successful, when we are happy and healthy, even everything goes as we wish, we tend to forget God. But most of the time जब ऐसी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होता है, सब कुछ अच्छा होता है, दैट टाइम पर हम हमारे गॉड को भूल जाते हैं विश करना। Now who really forgot whom? Whom does God forget or abandon us to do? We forget God and abandon Him. Let us read the poet footprints see in the sand and see what it tell us. So इसी तरीके से कि हम जब खुश होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, सॉरी जब हम सैड होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, बट जब हमारी लाइफ में सब चीज़ परफेक्ट होता है, अच्छा होता है, दैट टाइम पर हम गॉड को भूल जाते हैं। बट गॉड का क्या है कि वो हमारे साथ हर सिचुएशन में रहते हैं। चाहे अगर हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो भी वो हमें ब्लेस करते हैं, और अगर हमारे लाइफ में कोई चीज़ बुरी हो रही हो या फिर हम किसी तकलीफ़ में हैं तो भी वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे होते हैं। सो इन दिस पोएम में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक पोएट ने फुटप्रिंट्स को लेकर अपनी इमोशंस को गॉड से रिलेट करके कैसे डिस्क्राइब किया है। वन नाइट आई ड्रीम्ड अ ड्रीम As I saw walking alone the beach with my Lord, across the dark sky flashes scenes from my life. For each scene I noticed two set of footprints in the sand, one belonging to me and one to my Lord. See, here poet said in this paragraph कि एक रात में जब मैं सपने देख रहा था कि मैं एक बीच पे, एक समुद्र किनारे पर अपने गॉड के साथ चल रहा हूँ, तभी मुझे वहाँ पर सैंड में फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, दो फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। वो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था कि एक फुटप्रिंट्स मेरा है और दूसरा मेरे गॉड का है, जो हमेशा और हर सिचुएशन में मेरे साथ चल रहे हैं। आफ्टर द लास्ट सीन ऑफ माई लाइफ flashes before me, I look back at the footprints in the sand. I notice that it at many time along the path of my life, especially at the every lowest and the saddest time, there was only one set of footprints. So suddenly मैंने क्या देखा, मैंने मेरे life का जो last scene था वो उस मैंने देखा, और वहाँ पर मुझे यह clearly दिखाई दिया कि जब मैं बहुत सैड था और बहुत अपसेट था, दैट टाइम पे उस सैंड में मुझे एक ही फुटप्रिंट दिखाई दिया। व्हाट इट मीन, दिस रियली ट्रबल्ड मी, सो आई आस्क्ड द लॉर्ड अबाउट इट। लॉर्ड यू सेड व्हेन आई डिसाइडेड टू फॉलो यू, यू वुड वॉक विथ मी ऑल द वे।
But I noticed that during the sadness and the most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. So that time poet ने कहा अपने गॉड से कि मैंने ये क्या देखा कि जब मैंने जब मेरे लाइफ का सबसे टफ और हार्ड सिचुएशन था, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, हर सिचुएशन में मेरे साथ चलोगे और हमेशा मेरी साथ दोगे. बट मैंने नोटिस किया कि सैंड में जब एक ही फुटप्रिंट वहाँ पर अवेलेबल था जो कि मेरा था. इसका मतलब क्या है कि जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त ही आपने मेरा साथ नहीं दिया. ही विश्ड माई प्रीसियस चाइल्ड. देन इसकी ये बातें सुनकर जो गॉड थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से उसे समझाया. आई लव यू एंड विल नेवर लीव यू. मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. नेवर एवर ड्यूरिंग योर ट्रायल एंड टेस्टिंग. वेन यू सॉ ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, इट वॉज देन दैट आई कैरीड यू. सो गॉड ने कहा कि मैं तुम्हें कभी और किसी हाल में नहीं अकेला छोड़ सकता, स्पेशली तब जब तुम किसी कठिनाई या फिर किसी मुसीबत से गुजर रहे हो. जब तुमने उस सैंड में वन फुट प्रिंट्स देखा, इसका मतलब यह था कि वो तुम्हारे लाइफ का सबसे टफ सिचुएशन था. तो इसलिए उस समय पर मैंने तुम्हें कैरी कर रखा था, मैंने तुम्हें अपने हाथों में होल्ड कर लिया था, इसलिए आपको वहाँ पर एक ही फुटप्रिंट दिखाई दिया जो कि मेरा था. वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड. ओह यस, एट लास्ट आई अंडरस्टैंड. देन जो पोएट था वो बोलता है, हाँ वहाँ पर तो एक ही फुटप्रिंट्स था. नाउ आई रियलाइज यू, मतलब अब मुझे समझ में सब कुछ आ गया. थ्रू आउट एवरी टफ टाइम यू कैरीड मी. कि जब भी मैं मुसीबत में था और जब भी मैं परेशानी में था, तब मुझे उस सैंड पर एक ही फुटप्रिंट क्यों दिखाई दिया? क्योंकि दैट टाइम पर आपने मुझे प्रोटेक्ट कर रखा था, होल्ड कर रखा था. नाउ आई प्रेज द लॉर्ड ईच टाइम आई सी वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स. अब मुझे सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, इसके लिए जब भी अब मुझे सैंड में एक फुटप्रिंट्स दिखाई देगा, दैट टाइम मैं मेरे भगवान को विश करूँगा और उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उस वक्त वो मुझे सबसे ज़्यादा सहारा दे रहे होंगे. द पोएट क्लियरली टेल अस हाउ द लॉर्ड प्रोटेक्ट अस. इस पोएम में पोएट ने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि किस तरीके से भगवान हमारी हर तरह से और हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं. वी फॉल टू अंडरस्टैंड हिम. हम कई बार गलती कर देते हैं उन्हें समझने में. जब हम बहुत सैड होते हैं, दैट टाइम पे हम सोचते हैं कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है. वो हमेशा हमें लव करते हैं और हमारे लिए कंसर्न रहते हैं. लेट अस ऑलवेज रिमेंबर दैट द लॉर्ड इज़ ऑलवेज देयर विथ अस. इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छे या बुरे हर कंडीशन में गॉड हमारे साथ होते हैं, तो हमें भी उन्हें अच्छे और बुरे दोनों ही कंडीशन में हमेशा याद करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए. The moral of the story is just remember that when nobody else was there for you, God was always there and will never leave you alone. Last moral of the story ये है कि जब आप अकेले होते हो और आपका साथ कोई नहीं देता है, उस वक्त आपका साथ भगवान देते हैं और वो हमेशा और हर सिचुएशन में आपके साथ होते हैं. थैंक यू.